हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल बोलो में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का हम पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, यदि आपके पास घर में वाईफाई लगा हुआ है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का और आप अपने उस एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तरीका बदल चुका है। पहले हम एक्सट्रीम फाइबर के पासवर्ड को चेंज करने के लिए जो तरीका अपनाते थे वह तरीका बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, बिल्कुल नया तरीका हो गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का जो हम पासवर्ड को चेंज करना चाहें, उस यूजर नेम को चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम आप लोगों को सब कुछ बताएंगे पूरा कंप्लीट। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में बताते हैं कि आप अपने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के पासवर्ड को कैसे बदलेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिए। देखिए दोस्तों, यदि आपके घर में एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर लगा हुआ है तो आपका वाईफाई यहां पर इंटरनेट पकड़ता है और आप इसके पासवर्ड को यदि चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे तो दो तरीका है चेंज करने का, लेकिन जो आसान तरीका है वह बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, आपके फोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। अगर इस एप्लीकेशन को आप यूज करते हैं तब तो आपको कोई बात नहीं है। जो एप्लीकेशन है एयरटेल थैंक्स, यानी कि एयरटेल का खुद का एप्लीकेशन है जहां से एयरटेल पेमेंट बैंक वगैरह हम भेजते हैं, वही एप्लीकेशन आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना होगा। यदि आप इंस्टॉल किए हैं तो अच्छी बात है। तो आपको इस एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपके जितने भी सर्विस एक्टिवेट होंगे यह आपको यहां पर शो हो जाएंगे। अगर आप इस फोन में वो मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय वाईफाई का दिए हैं, तो आप अगर एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को जब लॉगिन करेंगे उस फोन नंबर से तो आप जितने भी सर्विस एयरटेल का लिए हुए हैं यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ मेरे पास 6 सर्विस दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी सर्विस हैं वह सारे आपके खुलकर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ से सिंपली नीचे की ओर जाना है और ये देखिए यहां पर आपको एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का भी एक ऑप्शन आ रहा है। देखिए लिखा हुआ है एक्सट्रीम फाइबर। अब आपको यहां पे क्या करना है कि एक बार इसके ऊपर में टैप करना है। अब इसके ऊपर में एक बार जब टैप करेंगे तो आपके पास इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा, यानी कि आपका जो अनलिमिटेड डेटा है, कितना MBPS आपका मतलब डेटा मिलता है और आपकी वैलिडिटी कब है, आपका वाईफाई की वैलिडिटी कब तक है, सारा यहां पर शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब आपको यहां पासवर्ड चेंज करने के लिए आप यहां पर देखेंगे कि वाईफाई का एक चित्र बना हुआ है और माई वाईफाई यहां पर लिखा हुआ है, तो आपको इसके ऊपर में एक बार टैप करना है। जब इसके ऊपर में आप टैप करेंगे तो थोड़ा सा यहां पर सेटिंग सर्चिंग होगी और सर्चिंग होने के बाद में आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जब नया पेज ओपन होगा तो यहां पर देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको वाईफाई, जो भी आपके वाईफाई का नाम होगा, यहां पर शो हो जाएगा और यहां पर कितने डिवाइस इस समय कनेक्ट होकर चल रहे हैं वो आपको यहां पर शो हो जाएगा। तो अभी मेरे वाईफाई से 4 कनेक्ट दिखा रहा है, तो 4 लोग कनेक्ट हैं। तो आपको वाईफाई पासवर्ड बदलने के लिए इस वाईफाई के ऊपर में क्लिक करना है। जब यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर देखेंगे कि मैनेज वाईफाई आईडी एंड पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है और बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं, तो हम सिर्फ पासवर्ड के बारे में बताएंगे। तो मैनेज वाईफाई आईडी एंड पासवर्ड के ऊपर में आपको एक बार टैप करना है। अब जब ऐसे इसके ऊपर में टैप करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपके वाईफाई का नेम और यहां पर पासवर्ड, यदि आप अपने वाईफाई के नेम को चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके अपने वाईफाई नेम को भी चेंज कर सकते हैं। और पासवर्ड पे आप यहाँ पे कोई भी एक 8 अंक से ऊपर का पासवर्ड लगा सकते हैं, यानी जब आपको पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड पे क्लिक कीजिए और जो भी आपको पासवर्ड डालना है यहाँ पे क्लिक कर सेव करेंगे। यहाँ पर आपको जो पासवर्ड है 8 अंक से ऊपर का ही लगाना है, तो आप ही पासवर्ड रखना चाहते हैं रख कर सेव पर। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई यहाँ पे पासवर्ड रखना है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड ले लिया। लेने के बाद में अब मैं जैसे ही सेव पर क्लिक करूंगा तो जो भी पासवर्ड मैंने अभी डाला है वह पासवर्ड मेरे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के पासवर्ड पर चेंज हो जाएगा, यानी कि मेरा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन द्वारा आप अपने एयरटेल वाईफाई के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इसी वाईफाई पासवर्ड के बारे में बता रहा था। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।